नमस्कार दोस्तों, आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है सुगम्य भारत अभियान। इसका ही इंग्लिश में नाम है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो ये कैंपेन है इंडिया को एक्सेसिबल बनाने के लिए। अभी हम देखते हैं इसमें क्या कौन सी चीज़ें हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलना ताकि जब आप बाद में रिविज़न करें तब आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। सारा मटेरियल आपके साथ में एक साथ एक ही जगह पे कंपाइल हो जाएगा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हम पूरी सीरीज़ चला रहे हैं उसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर इतनी सीरीज़ देख के भी जो आपका 20 पेजेस का मटेरियल बनेगा उसमें से भी अगर दो क्वेश्चन भी आते हैं तो भी वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से अगर हम देखें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप इसको लाइटली मत लेना और इसको नोट करते चलना जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज़ सुगम्य भारत अभियान। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इट इज़ अ कैंपेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये एक कैंपेन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये और नहीं है, यहाँ पे ऑफ है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू इंश्योर अ डिग्निफाइड लाइफ टू दिव्यांगजन्स। ठीक है, दिव्यांगजन्स को डिग्निफाइड लाइफ इंश्योर करवाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दिव्यांगजन कौन होते हैं? यानी कि ब्लाइंड पीपल, पीपल विथ विजुअल इम्पेयर्डनेस। ठीक है, जिनको दिखता नहीं है उनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं। तो उनको एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कराना और एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करना, ये सुगम्य भारत अभियान का ये एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कौन से कंपोनेंट होने वाले हैं? एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल कराना। पूल ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, पूल ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मतलब जो साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाते हैं, ऐसे लोगों की एक टीम तैयार करना, ऐसे लोगों की एक क्या बोल सकते हैं, एक स्टॉक तैयार करना। ठीक है, तो ये भी इसमें आता है। एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें क्या आएगा, डॉक्यूमेंट्स को एक्सेसिबल करवाना। एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट, जो हमारे बस फैसिलिटीज़ है, ट्रेन फैसिलिटीज़ है, तो वो ऐसे लोगों के लिए काम में आए, ऐसी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। पब्लिक वेबसाइट्स, दे शुड बी ऑल्सो एक्सेसिबल। जो वेबसाइट्स है तो वहाँ पे भी कुछ ऑडियो विजुअल भी कंटेंट रख के वैसे भी कमांड दे सकते हैं, तो ऐसा भी हम इसमें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आएगी सुगम्य भारत अभियान के अंदर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। देखो, ये काफ़ी जेनरिक चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 चीज़ें दी है, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही करना है। जो भी हम कर सकते हैं दिव्यांग लोगों के बेनिफिशियर के लिए, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी इज़ ऑल्सो कंपोनेंट अंडर इट। हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि माहिती रहती है, तो वो साथ में, और कम्युनिकेशन को, तो ये दोनों को एक्सेसिबल करवाना, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और ये इसका बेसिक मोटिवेशन होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सुगम्य भारत अभियान क्या है ये अभी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमें याद क्या रखना है, इसमें हमें मिनिस्ट्री याद रखनी है, और इसमें क्या करने जा रहे हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वो याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, सुगम्य भारत अभियान इज़ अ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इट इज़ अ कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी एंड टू एंश्योर अ डिग्निफाइड लाइफ टू दिव्यांगजन यानी कि ब्लाइंड पीपल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी इज़ ऑल्सो कंपोनेंट अंडर इट। तो ये भी इसके अंदर का एक कंपोनेंट है। आई होप अभी सुगम्य भारत अभियान आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।